आदमी मुझे परेशान कर रहा है। आपको एसीपी से बात करके इसे अरेस्ट करवाइए। रिलैक्स रिलैक्स सारा, यही तो है एसपी जिमी जोसेफ। एसीपी जिमी जोसेफ? ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, माफ कीजिए, लेकिन आपने भी ना गलत इंप्रेशन दिया। वो पुलिस नाका से भागना वगैरह, आई एम सॉरी। क्या अब हम साथ बैठ के कॉफी पी सकते हैं? क्या इस केस में कुछ ऐसा मिला जिससे बाबा की बेगुनाही साबित? तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं, लेकिन तुम मैं क्या? इसका जवाब तुम्हारी आंखों में है। संभाल के बढ़िया रखो। सर, लाश की जेब से लाइसेंस मिला है। मरने वाले का नाम करण नाथ है। सर, रंजीत के घर मिली तस्वीर वाला लड़का है ये, जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। बस सर पे विग नहीं है। सुनो, इस गाड़ी का चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाओ और फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुला लो। एंड मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन प्रेस को गोरखा से बंद कर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फोरेंसिक से पता लगाओ कि ये बटन कहां बनता है और बिकता है। राइट सर। राणा साहब, मैंने कितनी बार कहा था कि सारा की जगह हमें उस ठसके वाली के पीछे भागना चाहिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तीन दिन से भटक रहे, मिला क्या घंटा? देख, अब उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हमारे सर पर है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी भटकना पड़े। भटके। अच्छा। वो देख, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर है। लौटरी निकली, चल चल आजा। बेटी दो दिन से कहाँ हो? तुम्हारी माँ रो रो कर परेशान हो गई। पागल तो नहीं हो? पागल, बाप को पागल बोल रही हूँ, बाप को पागल बोल रही हूँ। आईसीयू में है। बच्चों को चलो बैठो गाड़ी में। ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, घर छोड़ के थोड़ा जाते हैं। चलो भैया गाड़ी चलाओ। बेटा जहाँ कहोगी माँ तुम्हारी साथ। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। शाबाश, यहाँ बैठ जाइए। बैठी बैठी स्टॉप दिस। ओए आराम से आराम से, तबेले की भैंस नहीं है, खूबसूरत है, नाजुक है। तू चुप रह, तू ही पूछ रहा था ना कहाँ तक ले जाएंगी आप। ये देख कहाँ तक ले आई ये बदलेगा। जब से इससे मिले हैं चारों तरफ लाशें ऐसे गिर रही हैं जैसे खंडर में कबूतरों की बीट। अरे तो फिर क्यों चुराई गाड़ी? हाँ, पुलिस को दौड़ाया इधर, गंजन की लाश को छोड़ दिया उधर, और फिर चाबी लेकर भिखारियों की तरह गाना भी गवाया। ओए मैं तो हीरे ढूंढ रहा था, लेकिन तू तो लड़कियों के पीछे फिसल फिसल कर अस्पताल पहुंच रहा था। एहसान मान मेरा, एहसान मान मेरा कि मैं अस्पताल पहुंचा। 8 नंबर के लॉकर का पता चला, हीरे विक्टोरिया 203 ने ये पता चला। सब कुछ तो मैं कर रहा था, और तू क्या कर रहा था? लंबा कोट पहनकर हीरो बना घूम रहा था। ओए टक्कन, हम एक दूसरे की कुंडलियां क्यों खोल रहे हैं, जबकि पूछना तो हमें इस शैतान की नानी से है। ओ या, अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो करण टोरा रंजीत की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। ओए तुमको क्या लगता है हम कोई बिलासपुर से आए हैं? हैं? अगर हम अपनी आई पर आ गए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ भी बताने के बाद मुझे ये देश छोड़ना होगा। तुम लोग मुझे 5 करोड़ रुपए दिला दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 5 करोड़ अभी लाता हूँ छाप के। 500 के चलेंगे कि 1000 के चलेंगे? मिल जाएंगे 5 करोड़। ए, पागल हो गया क्या? राणा साहब आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? नहीं है, है? तो फिर आइए मेरे साथ, हिलना डुलना नहीं, मैं 5 करोड़ लेकर आता हूँ। राणा साहब सारा के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। आइए आइए। ओह नाइस, दीज आर बेल्जियम टाइल्स। राणा साहब, डू यू सी व्हाट आई सी? द मैन विद द डायमंड। हीरे ऐसे हिला रहा जैसे बचपन में हम गोटियां हिलाया करते थे। तो क्या तू इससे मांगेगा 5 करोड़ रुपए? क्या हर्ज है? किसी डायमंड मर्चेंट की बिगड़ी हुई औलाद लगता है, और फिर बाप इसका हो या हमारा, बस करोड़पति होना चाहिए। मतलब
पीछे के दरवाजे से लेके चल, ज्यादा मत करना। चाहू असली है दोस्त। क्या हो रहा है? अरे रईस की औलाद, अपने बाप को बोल जल्दी से 5 करोड़ ढीला कर वरना गोली चला दूंगा। तो आप लोग मेरे बाप से 5 करोड़ रैंसम मांग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो दहेज में हिस्सा मांग रहे हैं। ओए टकन, इसको ठीक से समझा, सीधी बात इसके समझ में नहीं आती। ओए समझता है चक। 265 77 बोल। 265 77 77 100 और 022 लगाया। जावेरी बाजार पुलिस स्टेशन। डायमंड मर्चेंट का बेटा है, जावेरी बाजार से जिग्नेस बात कर। हाँ बापू, जोसेफ बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ 5 करोड़ रुपए लेके मड फोर्ट पे पहुंच जाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे किडनैप कर लिया। क्या? जल्दी आ जाना वरना ये लोग, वरना इसके 1001 करोड़ टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। चील कौओं पर हमारा विश्वास नहीं है। और याद रखना, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास है। अरे क्या है जी, कि हम तो आदमी सूंघ कर बता देते हैं कि ये असामी 5 करोड़ की है, 7 करोड़ की है, 10 की है, कि 150 रुपए की है। मत कर, तेरी औकात सिर्फ 5 करोड़ की है जी। हमने सोचा कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने वाले हैं किडनैपिंग की, वो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट। जिग्नेश आवाज आ रही है, शेयर खरीदने हमारी कंपनी में। लगता 3-4 सूटकेस लेके भाग के आ रहा है। जी राणा साहब, लगता बाप आ गया है। इसकी वर्दी में क्यों आया है? पुलिस ही है, ससुराल वाले। अरे जिग्नेश भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओए टकन, हमको गलत फहमी हुई है। हमको? हाँ, पैर पकड़। मेरे नहीं टकन, उनके। इनके? चलिए किडनैपिंग कंपनी तो खुलने से पहले ही बंद हो गई, लेकिन एक बटन मिला है। बटन दिखाइए। ये तो इसका है। अरे मेरा है, मिल गया। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इतने सालों बाद पुलिस में कितना बदलाव आया है। बटन जैसी चीज ढूंढ लेते हैं, वो भी बिना रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट दिखाए। ये बटन एक लाश के पास मिला। लाश के पास? करण की लाश, जिसे शायद आप लोग गलती से दफनाना भूल गए थे। मैंने इसको बोला था सर। कब बोला था? कमाल की बात है ना, करण की लाश के पास बटन, वो भीम का, और फिर रंजीत के घर में उंगलियों के निशान, आप लोगों के। लगता है किडनैपिंग की बजाय मर्डर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने का इरादा है आप लोगों का। सर चोरी की कसम सर, हमने आज तक कत्ल के बारे में सोचा तक नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। बापू की कसम खाएंगे? हाँ बापू की कसम खाएंगे। खाएंगे बापू? बापू जिंदा है? अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ था। ये बापू है, इसका डंडा चलने से ज्यादा चलाने के काम आता है। एक पड़ेगा तो दर्द कहाँ खत्म होता है और जिस्म कहाँ शुरू होता है सब भूल जाओगे। वो क्या है जी, के कहानी बहुत लंबी है, और बापू के रहते हमारी जबान लड़खड़ाएगी। बापू जी की जय। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ये देखिए, यही तो थी, कहाँ गायब हो गई? मुझे क्या देख रहा, बांध तो तू ही रहा था। तूने कहा था टीला बांध, नाला बोला था। शट अप, बाकी का ड्रामा जेल में। जेल में? देखिए अगर आपको जेल भेजनी है तो ठीक है, लेकिन हमें थाना जेल मत भेजिएगा। वहाँ का जेलर बहुत जल्लाद है। तो वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ अच्छा, वो अच्छा, वो उसी जेलर की वजह से तुम्हारी सजा सस्पेंड हुई थी ना, उसकी गलती है, वही भुगतेगा।
नहीं बेटा देखो हम बापू पढ़ते हैं। इन लोगों को नहला के थाने जेल भिजवा दो। नहला के क्यों? धुलाई वहीं हो जाएगी। जो तोहफा रंजीत और शेट्टी तुम्हें नहीं दे सके वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हीरे विक्टोरिया नंबर 203 में है। सारा सारा लेके वो तो मुझे जोर से धक्का मारा, घर में कुछ ढूंढ रहे थे, फिर वो विक्टोरिया को भी ले गए, मुझे दीदी के पास जाना है। हाँ मैं ले चलूंगा तुमको दीदी के पास जाना है। मैं लेके आता हूँ मुझे दीदी के पास ले जाना। हीरे विक्टोरिया में नहीं है। वंस अगेन देखो हीरे कहाँ नहीं है उसकी तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। हीरे कहाँ है? That's what I want to know. उन दोनों डफर्स में से एक ने 5 करोड़ का वादा बहुत आसानी से कर दिया था। उन्हें पता होगा कि हीरे विक्टोरिया में है, जाहिर है उन्होंने निकाल लिए होंगे। You see with brains, that's what I lust for you, my dear. इन हीरो ने हमें बहुत नचाया, अब इन्हें जल्दी से ढूंढ लाओ। मुझे बेवजह नाचना पसंद नहीं।